ये ऑटो यहीं रुको। भीम साहब, इस जगह पे आपका क्या काम है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, जाओ, जहाँ रुकने के लिए बोला वहाँ वेट करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जी मैम साहब। हेलो विशाखा, मैं करिश्मा बोल रही हूँ। मैं एमजी रोड के यहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे खड़ी हूँ। मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। मेम साहब कहाँ चली गई? मैं तो यहीं छोड़ के गया था। मेम साहब अरे आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, आज काम कुछ कम था। ये लो, आते आते तुम्हारे लिए कुछ साग सब्जियां लाया हूँ और इसे फ्रीजर में रख दो। विशाखा के लिए लाया हूँ, उसे आइसक्रीम पसंद है ना? आज आपकी लाडली ये खाने वाली नहीं है। पर क्यों? आज सुबह से ही उदास है, खुद को कमरे में बंद कर रखा है और खाना भी नहीं खाया उसने। तुमने उसे कुछ कह दिया क्या? मैं क्या कहूँगी, लेकिन हाँ आज सुबह किसी का फोन आया था। हेलो, विशाखा बोल रही हो? जी हाँ, विशाखा बोल रही हूँ। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात तुम्हारी शादी के बारे में है। शादी? कौन सी शादी? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए। अरे इतनी मुश्किल से तो दो हफ्ते पहले टूटी हुई शादी को भूल पाई थी, और फोन करके उसके जख्म किसने हरे कर दिए? बहुत पूछा मैंने कि किसका फोन था, लेकिन रोई जा रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। विशाखा बेटे दरवाजा खोलो। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रोने की आवाज भी नहीं आ रही, कहीं उसने कुछ। तुम विशाखा को नहीं पहचानती क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। विशाखा दरवाजा खोलो। विशाखा बेटे, वो शादी वाले फोन कॉल से चिंता में है ना तू? हाँ पापा, काश मैंने उस गलत लड़के से शादी की जिद ना की होती। मेरी वजह से आप लोगों को कितना अपमान सहना पड़ा। अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़के के साथ तेरी शादी नहीं हुई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस परिवार से तू बच गई बेटे। हाँ। और फिर हमारे इस लाडो के लिए इस शहर में कोई लड़की की कमी है क्या? हाँ? और क्या, हमारी विशाखा है इतनी प्यारी कि कोई भी लड़का इसे देखते ही पसंद कर लेगा। नहीं माँ, इस बार अपनी पसंद पे भरोसा करके मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। आप लोगों की पसंद पे ही मेरी मंजूरी है। अरे हाँ सरिता, कल ठीक 3 बजे लड़के वाले विशाखा को देखने आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ओहो श्रीमती जी, तो अब तो बता दिया ना। हाँ पापा, मुझे भगाने की बहुत जल्दी है ना आपको। मैं क्यों नहीं, अब इसकी शादी हो जाएगी तो इस कमरे को मैं अपना स्टडी रूम बना लूंगा। अच्छा, तो मैं भी अपना रूम लॉक करके जाऊंगी ससुराल। हाय सर, मैं यहाँ का बचपन था, मैंने ही आपको फोन किया था। लाश कहाँ पर है? जी उस तरफ। चलो दिखा। जी ये इटली निकालो। ये
लगता है लाश को छुपाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। हाँ, छुपाने की तो बहुत कोशिश की है मगर जरूर कुछ ना कुछ तो भूल गया है वो। कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा। वैसे लाश ज्यादा पुरानी नहीं दिख रही है। एक काम करो, बाहर निकालो इसे आराम से संभल के। ये देखो, बड़ी बेरहमी से मारा है इसे, सामने से सीधे चाकू घोंप दिया सीने में। क्या सर, देख के लगता है कि इसे चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। ये देखो, इसके सिर के पीछे भी चोट है। लगता है जिसने भी ये किया है ना, शायद पीछे से आकर इस रिक्शा वाले के सिर पर पीछे से हमला किया, वार किया। ये बेचारा मुड़ गया हमलावर को देखने के लिए तो सामने से चाकू घोंप दिया। जेब में कुछ भी नहीं। लेकिन सर, कोई रिक्शा वाले को क्यों मारेगा? फ्रेडी, इस रिक्शा वाले को पैसे के लिए तो कोई नहीं मारेगा। हो सकता है इस रिक्शा वाले का किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा या आपसी दुश्मनी हो, लेकिन अगर इसकी लाश यहाँ पर है, रिक्शा कहाँ पर होगी? सर? हाँ? सर ये देखिए, सर ये खून की बूंदें और घसीटने के निशान है। ये देखो, लगता है जिसने भी ये किया है, रिक्शा वाले को यहां से घसीट कर वो लेकर गया वहां ईंटों में छुपाने के लिए। वो क्या है? किसी आदमी की घड़ी? अरे ये तो काफी महंगी घड़ी है, शायद रिक्शा वाले की होगी। नहीं फ्रेडी, ये इस रिक्शा वाले की घड़ी नहीं लगती। इतनी महंगी घड़ी है ये, लाख डेढ़ लाख की तो घड़ी है। तो फिर सर, शायद उसी की होगी जिसने रिक्शा वाले को मारा है। तो ये भी सकता है कि घड़ी उस आदमी की हो जो ऑटो में बैठा था। इतनी कीमती घड़ी पहनने वाला आदमी रिक्शा में नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। देखो, और भी कोई सुराग मिलना चाहिए। देखो जरा आसपास। सर, कुछ मिला? हाँ सर, किसी लड़की की ये डायमंड इयररिंग मिली है, यहाँ नीचे गिरी हुई थी। इयररिंग? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, जब ये हादसा हुआ तब कोई लड़की यहाँ पर मौजूद थी। तो खून लड़की ने किया? सचिन, पता नहीं खून किसने किया, लड़की ने या और किसी ने, लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये लड़की उस रिक्शा वाले के साथ मौजूद थी। सर, हो सकता है ये लड़की उस ऑटो वाले की सवारी थी। लेकिन लड़की यहाँ ऐसे जगह क्या करने आई थी? कुछ ना कुछ तो और ही चक्कर है। जो भी हो, उस हादसे में जरूर हाथापाई हुई होगी जिसकी वजह से वहां पर वो घड़ी मिली और अब ये इयररिंग। ये केस तो बहुत पेचीदा हो गया, इतने सारे सवाल लेकिन जवाब इतने कम। सारे सवालों का जवाब इसी बिल्डिंग में है। इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से छान मारते हैं। लेट्स गो। सर, हाँ सचिन, क्या हुआ? ये देखिए सर, सीढ़ियों पे खून की बूंदे। हाँ,
ये देखो। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, लाश वहां पर और खून की बूंदें यहाँ। मुझे तो कुछ और ही आ रहा है दिमाग में, कहीं और एक लाश तो नहीं इस बिल्डिंग में। ऊपर चलकर देखते हैं, देखते हैं ये खून के धब्बे कहां तक है। भाई साहब मैं तो कहता हूँ अबे और विशाखा एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही, दोनों के ख्यालात मिलते जुलते हैं, दोनों का स्वभाव एक है और वैसे एक साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। बेटा तुमने हमें बताया नहीं कि तुम अभय को पहले से जानती हो? नहीं पापा, अभय मेरी क्लास में नहीं थे। वो क्या है ना अंकल, हम दोनों की क्लासेस सेम थी पर सेक्शन अलग अलग थे। आप सेक्शन ए में थी और मैं सेक्शन सी में था। बात यह है ना जी, अभय के लिए एक से बढ़कर एक खानदान से रिश्ते आ रहे, लेकिन इससे मना कर दिया है। स्कूल के वक्त से ही आपकी बेटी से प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाया, इसलिए आज मुझे आना पड़ा कहने के लिए। पापा प्लीज, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। नैना और अनुष्का कैसे हैं? स्कूल टाइम से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे वो लोग। हाँ, नैना भी बैंगलोर में जॉब कर रही है और अनुष्का की रिसेंटली शादी हो गई है मसूरी में। सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। जी वैसे तो साउथ अफ्रीका भी बहुत ही सुंदर जगह है। 25 साल पहले हमने हमारे हीरो का बिजनेस वहां शुरू किया था और आज यहाँ तक ले आए उसे। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय वगैरह लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए, हम आते हैं। क्या बात है सरिता, क्या हुआ? देखिए लड़का और परिवार तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक बार आप साफ साफ पूछ लीजिए लेन देन की जो भी बात है। सरिता क्यों चिंता करती हो? देखो मुझे नहीं लगता कि धीरेंद्र जी की कोई मांग है, और अगर होगी भी तो हम मांग पूरी कर देंगे ना। देखो सरिता, मेरी पेंशन है, तुम्हारे जेवर है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मकान बेच देंगे, आखिर हमारी एक ही बेटी है। ओफो, आप एक बार पूछ तो लीजिए ना, कहीं कोई बड़ी मांग रख दी तो। फिर तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। खैर अपनी किस्मत है, देखते हैं। चलो लीजिए भाई साहब। ये सब लाने की क्या जरूरत थी, इतनी तकलीफ क्यों की आपने? अरे क्या कहते हैं भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाय लीजिए, ये लो बेटे। भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर हम लोग बाहर चल के आपस में बात कर लेते हैं। अरे इतने में बच्चे भी एक दूसरे से बात कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए। भाई साहब आपका बेटा हमें बहुत पसंद है। मुझे भी बिल्कुल विशाखा जैसी बहू चाहिए थी। अगर विशाखा अभय को पसंद करे, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हमारी मंजूरी में ही उसके यहाँ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं बात पक्की समझू? जी जरूर। धीरेंद्र जी अगर आपकी कोई मांग हो तो आप मुझे। कैसी बात कर ली आप लोगों ने, अरे भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, आपकी बेटी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए, ये आप कर पाएंगे या नहीं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? ये शादी 2 दिनों में हो जानी चाहिए। 2 दिनों में शादी की तैयारियां हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ये हमारी एक ही बेटी है, हम चाहते हैं कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, इसलिए थोड़ा अगर आप हमें वक्त दे दे तो। देखिए भाई साहब मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन 3 दिनों के अंदर मुझे साउथ अफ्रीका पहुंचना है। सिर्फ मेरे बेटे की वजह से मैं अपना पूरा कारोबार छोड़ के आया हूँ, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो ये रिश्ता नहीं होगा। हाँ? सोच लो आप लोग। ठीक है भाई साहब, ये शादी परसों ही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। देखिए आप शादी की तैयारियां कीजिए, पैसे की चिंता न कीजिए, वो हम करेंगे। जी कैसे?
तुम चिंता मत करो सरिता, भगवान की जो मर्जी है वही होगा। चलो शादी की तैयारी करते हैं। पता नहीं मुझे ये सब ठीक क्यों नहीं लग रहा है। शादी ब्याह जैसी चीज जल्दबाजी में करना, कहीं हम गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं? सर, इस लड़की का चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। तो सर, लड़की के पास से ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मिला है ना ही कोई मोबाइल। तो लाश को देख के लगता है कि इसकी और उस ऑटो ड्राइवर की मौत लगभग एक ही वक्त हुई है। सर, सर ये लावारिस रिक्शा यहां से थोड़ी दूर पे खड़ी हुई थी, लोगों ने मुझे बताया। और सर ये रहे रिक्शा के पेपर्स, वो लाश इसी रिक्शा ड्राइवर की थी, चमन नाम था उसका। और सर ये फोटो भी लगी उसकी। हाँ, चमन खुद मालिक था इस रिक्शा का। और कुछ मिला? हाँ सर, मोबाइल मिला है सर, लेकिन सर बैटरी डाउन है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वॉचमैन होना है यहाँ के। कैसी ड्यूटी करते हो? दो खून हुए यहाँ पर। साहब जी, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला। चुप, नाटक बंद। जरा याद करके बताओ, क्या कोई आया था यहाँ पर इस रिक्शा में से? कोई नहीं आया था इस रिक्शा से। ये कैसे हो सकता है? हाँ, कोई बिल्डिंग से ऑटो दूर क्यों खड़ा करेगा? बताओ कौन आया था। हाँ साहब जी, याद आया, जब मैं खाना खाने गया था ना, जरूर कोई आया होगा। झूठी करते हो। इस चमन की पूरी कुंडली निकालो। हाँ अभिजीत सर, वो ऑटो वाले के फोन की डिटेल मिल गई है सर। ये 11 बजे के करीब ममता नगर से निकला और 11:30 बजे जेल स्टेशन पे पहुंच गया। ये एमजी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कब पहुंचा? सर 12:30 बजे जेल स्टेशन से सवारी लेने के बाद 12:40 पे उस जगह पे मिला था जहां पे वो ऑटो खड़ा मिला था। मतलब जेल स्टेशन से उसने सवारी उठाई, तो फिर अभिजीत उस वक्त दो मोबाइल फोन होंगे उस रिक्शा में, एक रिक्शा वाले का और शायद इस सवारी का भी। हाँ सर, मोबाइल कंपनी वालों ने बताया कि रिक्शे वाले के मोबाइल के साथ साथ एक और मोबाइल ट्रैवल कर रहा था। चेवंती और पेटी लगे हैं उसका डिटेल निकालने में। चलो अच्छा, अब देखना यह है कि सर वो सवारी विक्टिम थी या मुजरिम। सर, हाँ सर, वो जो ऑटो की सवारी का मोबाइल नंबर था वो दिल्ली का नंबर है और किसी करिश्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। दिल्ली? अच्छा, इस करिश्मा के बारे में और कुछ पता चला? नहीं सर, और कुछ डिटेल्स तो अभी पता नहीं चल पाए हैं। ये तो पता चला होगा कि उसने आखिरी कॉल किसको किया। किसी लैंडलाइन नंबर पे किया था आखिरी कॉल, पोपटवाड़ी का कोई उदय कुमार है। पोपटवाड़ी, उदय कुमार। पंकज काम करो, इस दिल्ली वाली करिश्मा के सारे डिटेल निकाल, पूरे के पूरे डिटेल। और अभिजीत, इस पोपटवाड़ी के उदय से मिल लेते हैं, पता तो चले ऐसी भी क्या बातें हो रही थी करिश्मा और उसके बीच में। इसका चेहरा तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है, एकदम तहस नहस हो गया है। सर, इनके फेस को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते? बहुत मुश्किल काम है तारिका, बहुत वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर पता चल गई, ये पता चल गई कि ये काम क्या करती थी। क्या काम? तारिका, ये लड़की एक नर्स थी। नर्स? नर्स? ये देखो, देख रहे हो ये इसकी उंगलियों पर और ये अंगूठे पर, ये कौन? ये निशान तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के हाथों में होता है ना जो दूसरों को इंजेक्शन देते हैं। एग्जैक्टली तारिका, और मुझे लगता है ये खून या तो किसी बदले की भावना से किया गया है या फिर कोई प्यार व्यार का चक्कर। प्यार व्यार का चक्कर? तुमको ऐसा लगता है तो तुम फोरेंसिक आते ही क्यों? तुम अब से मत आया करो हमारे लैब में, प्लीज। अरे ये क्या? और अभिजीत,
तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना वो खत्म। प्यार का चक्कर। CID? यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हमें पता है आपके घर में शादी का रस्म चल रहा है, लेकिन देखिए बात कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो मिनट की बात है। एक बात बताइए, कल लैंडलाइन पे कोई अनजान फोन आया था? हाँ, मेरी बेटी विशाखा ने फोन उठाया था। जरा बुलाइए ना विशाखा को। विशाखा बेटी एक मिनट इधर आना। हाँ जी एक मिनट। जी पापा। बेटे ये। हाय विशाखा, शादी मुबारक हो। थैंक यू। हम CID से हैं, मैं इंस्पेक्टर श्रेया। कल सुबह 10 बजे लैंडलाइन पे एक कॉल आया था। जी आया था। किसका फोन था? किसी करिश्मा का फोन था, बट मैं उसे नहीं जानती। अगर तुम उस लड़की को नहीं जानती हो तो उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? दरअसल वो मुझसे मिलना चाहती थी पर मैंने उसे मना कर दिया। तुम तो कह रहे हो तुम उसे जानती तक नहीं, फिर भी वो तुमसे बात करना चाहती थी, कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, हैं? बताओ। शायद वो मेरी शादी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। क्या क्या बात करना चाहती थी, कुछ बताया उसने? जी तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है। वो शायद मेरी पिछली शादी के बारे में बात करना चाहती थी। मतलब विशाखा तुम्हारी पहले भी एक शादी तय हो चुकी थी जो टूट चुकी है। देखिए प्लीज, अगर इस बारे में इस वक्त बात न करें तो अच्छा होगा, बड़ी मुश्किल से उस सदमे से ये उबर पाई है। प्लीज। पापा इट्स ओके, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप इस फोन कॉल के बारे में मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल बात यह है कि करिश्मा नाम की उस लड़की का। एक मिनट मैं समझाता हूँ। देखिए ये करिश्मा जिसने फोन किया था यहाँ पर, हम उससे मिलना चाहते हैं एक केस के सिलसिले में। ये करिश्मा कोई मुजरिम है क्या? क्या इसने कोई जुर्म किया है और ये मुझसे क्या बात करना चाहती है? देखो करिश्मा मुजरिम है या नहीं ये अब तक तय नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, आप लोग शादी की तैयारियां करो हुँ? और विशाखा हम सब की तरफ से शादी मुबारक हो। थैंक यू। हेलो सुनो, सब गड़बड़ हो गया है यहाँ, CID आ गई है। हाँ जी क्या हाल है बॉस? फिर से बन गया चेहरा? अरे चेहरा बनने में टाइम लगता है ना यार। और कितना टाइम चाहिए तुझे? मैं बोल रहा था तारे का, प्रद्युमन जैसे ही मेरी शक्ल देखेगा पीछे पड़ जाएगा, कितना टाइम लेगा चेहरा बनाने में यार, इतना सा काम है सामने। वैसे एक बात बताओ, आप लोगों को वाकई कुछ पता नहीं चला उस लड़की के बारे में? हमें इतना तो पता चल चुका है कि उस लड़की का नाम करिश्मा है और वो दिल्ली की रहने वाली थी। और अगर मैं ये बताऊं कि करिश्मा एक नर्स थी तो? सर
सर उस करिश्मा के बारे में नई बात पता चली सर। क्या? वो दिल्ली में 10-स्टार हॉस्पिटल में नर्स है। लो ये बात अब बता रहे हैं, मैं कब की बता चुका है बात। 10-स्टार हॉस्पिटल दिल्ली। वाओ यार अभय, बड़ी सुंदर दुल्हन मिली है तुझे, सच्ची पता नहीं कहाँ से किस्मत लिखा के लाया। अरे वो कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। एग्जैक्टली। जी आप रो रहे हो, सब ठीक तो है ना? ये तो खुशी के आंसू हैं। आज अपने बेटी को दुल्हन बना जो देख पा रहा हूं मैं, इसलिए आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ तो कहिए ना। यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, जरा अंदर चलिए ना। क्यों, हमसे शादी में कुछ कमी रहेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो सब ठीक है, A1। देखिए सारे मेहमान आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से चले गए तो कुछ परेशानी हो जाएगी, फेरे हो जाए, उसके बाद दोनों बैठ कर के बातें करते हैं। देखिए मेहमानों को छोड़िए, आप अंदर चलिए, वरना ये शादी नहीं होगी। आइए उदय जी। धीरेन्द्र जी बात क्या है आप बताइए ना। देखिए मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। अरे भाई परेशान होने की कोई बात नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? आपको याद है मैं आपके घर आया था आपकी बेटी को देखने, और मैंने आपको कहा था मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। जी मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आपको दहेज नहीं चाहिए, तो अब क्या चाहिए आपको? मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, कहा ना दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं लूंगा। हाँ मगर आपको दहेज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? किडनी, किडनी। किडनी? पर किसकी? मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मेरी तबीयत दरअसल ठीक नहीं रहती, और जल्द से जल्द अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मैं ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगा। किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए आपकी बेटी की शादी है, और कुछ ही दिन बाद उसका ससुर यानी कि मैं मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? पर धीरेन्द्र जी मैं अपनी किडनी कैसे, मेरा मतलब मैंने पूरा पता लगा लिया है, हम दोनों की किडनीज मैच होती हैं। अच्छा तो इसका मतलब ये शादी ब्याह ये सब ढोंग है, दरअसल आपको मेरी किडनी चाहिए इसलिए आपने ये सब। अब फेरों में 2 घंटे और, बहुत समय आपके पास, सोच लीजिए, और वैसे भी हम दोनों एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो एक परिवार वाले का फर्ज बनता है दूसरे परिवार वाले की जान बचाने का। आपको दहेज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? किडनी, किडनी, किडनी। कुमार साहब आए हैं अपनी पत्नी के साथ, वो आपको ढूंढ रहे थे। सरिता आओ मेरे साथ, 2 मिनट तुमसे बात करनी है। आओ सरिता। क्या हुआ मुझे बताएंगे भी? सरिता दरवाजा बंद कर दो, बताता हूं। अभी तो बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। धीरेन्द्र जी ने मुझसे कुछ मांगा है। पता था मुझे कि ये शादी दहेज लिए बिना हो ही नहीं सकती। वैसे कितने पैसे मांगे हैं उन्होंने? नहीं उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे,
तो फिर? सरिता, उन्होंने मुझसे मेरी किडनी मांगी। किडनी? हाँ सरिता। हे भगवान, इसका मतलब ये सब शादी वादी ढोंग है? वो आपकी किडनी लेना चाहते हैं? मुझे भी यही लग रहा है। ये अचानक से उनका मेरे घर आना, फिर दो दिन में शादी, और अब ये सब कुछ। सरिता, मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिश लग रही है। तो क्या अब हमारी विशाखा की शादी फिर से टूट जाएगी? अगर मैंने किडनी नहीं दी तो ऐसा ही होगा। ना सरिता, तुम मत रो। सारे मेहमान आ चुके हैं, और अगर इस बार भी हमारी विशाखा की शादी नहीं हुई तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। एक जख्म तो वो पहले ही खा चुकी है, लेकिन अब दोबारा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं सरिता, तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं अपनी किडनी दूंगा। हाँ सरिता। नहीं। नहीं, अगर आपने किडनी दे दी तो आपका क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा सरिता। और वैसे भी इंसान के शरीर में दो किडनियां होती है जिससे उसका शरीर चलता है, लेकिन फिर भी इंसान एक किडनी के सहारे जी सकता है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। नहीं सरिता, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम मेरी आत्मा को ये सोचकर संतुष्टि तो मिलेगी ना कि मैंने अपनी बच्ची की खातिर उसके पैदाइश से लेकर के उसकी शादी तक सब कुछ किया। प्लीज। हेलो सर, मैं अनुज, इस हॉस्पिटल का डीन। करिश्मा की मौत की खबर सुनकर आई एम शॉक्ड। वो बहुत ही काबिल नर्स थी। वैसे डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये करिश्मा ने अचानक से छुट्टी क्यों ली और फिर यहाँ से मुंबई चली गई? कोई खास वजह थी क्या छुट्टी लेने? उसने छुट्टी ली और यहाँ से चली गई। अब यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ गई, किस लिए गई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखिए, हम लोग करिश्मा के घर गए थे लेकिन वहाँ से कोई ज्यादा जानकारी मिली नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे करिश्मा का कोई सामान वगैरह पड़ा है? आप चाहें तो करिश्मा का लॉकर देख सकते हैं। जी हाँ, जरा दिखाइए लॉकर। आइए। चलिए। अरे सर, इस लॉकर को देखकर मुझे मेरी नानी की अलमारी याद आ गई। वो भी अपना सारा सामान ऐसे ही ठूस ठूस के रखती थी। सर, ये तो किसी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट है। किसकी फाइल है ये? देख, उदय कुमार। उदय? विशाखा के पिताजी उदय कुमार? कमाल है, इस फाइल को तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में होना चाहिए। ये करिश्मा के लॉकर में कैसे? मतलब ये करिश्मा उदय जी और उसके परिवार वालों को जानती थी? अगर वो परिवार वाले तो बता रहे थे कि वो करिश्मा को जानते ही नहीं। जरा बताइए, किस चीज का इलाज चल रहा था उदय का? डॉक्टर, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? उदय जी को फूड पॉइजनिंग थी और उनके सारे टेस्ट किडनी के करवाए गए हैं। क्या? कहीं? यार ये क्या चक्कर है? नहीं 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 दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस करिश्मा का बर्ताव कुछ अजीब लगा आपको? मतलब कुछ गड़बड़ लगा आपको कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा सर। देखिए, My God,
तो ये बात है। क्या बात है उदय? अरे डॉक्टर चंद्रप्रकाश, आओ बैठो बैठो। ये अचानक क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? और भाभी जी क्यों रो रही हैं? शादी में कोई मदद वगैरह चाहिए? डॉक्टर, शादी की कोई बात है ही नहीं। अच्छा तुम ये फाइल मेरी देखो ना, मेरी मेडिकल फाइल। ये फाइल चेक करके बताओ कि क्या मैं अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता हूँ? उदय, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और इस वक्त तुम्हें ये सवाल सूझ रहा है? डॉक्टर, शादी न रुके इसलिए तो मैं ये बात पूछ रहा हूँ तुमसे। बताओ ना। क्या मतलब है? मतलब मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि मैं एक किडनी के सहारे जी सकता हूँ या नहीं। बताओ डॉक्टर मुझे, प्लीज बताओ ना। डॉक्टर, रिपोर्ट ठीक तो है ना? क्या हुआ चंद्रप्रकाश, बताओ ना कुछ मुझे। क्या किडनी देना जरूरी है? बस तुम इतना ये समझ लो कि किसी के जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो अगर मैंने किडनी डोनेट नहीं की ना तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। देखो उदय, तुम्हारी ये किडनी पहले से ही खराब है। क्या सरिता, मुझे तो आज तक ये प्रॉब्लम कभी महसूस ही नहीं हुआ, कैसे किडनी फेलियर हो सकता है? क्योंकि उदय, तुम्हारी बॉडी दूसरी किडनी से फंक्शन कर रही है। आई एम सॉरी, अगर तुमने ये दूसरी किडनी भी डोनेट कर दी तो क्या? तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। किडनी डोनेट करने के लिए तुम मेडिकली फिट नहीं हो। देखो ऐसा मत कहो डॉक्टर, मुझे ये किडनी दान करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। डॉक्टर प्लीज जरा चेक करके बताओ, कोई तो रास्ता निकालो। देखो उदय, फाइनल डिसीजन मैं नई रिपोर्ट के आने के बाद ही दे पाऊंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक किडनी डोनेट करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। आओ। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फेरे का समय हो गया है, आओ। अरे उदय जी, आप ही को ढूंढ रहा था, फेरे लगवाएं या फिर मैं बारात वापस? जी नहीं, बारात वापस ले जाने की नौबत नहीं आएगी। मुझे पता था आप बड़े समझदार इंसान हो, सही डिसीजन लिया। और वैसे आप अपनी बेटी को इतना प्यार जो करते हो, आइए। यकीन नहीं आ रहा है, शादी के नाम पे ऐसी सौदेबाजी। रुक जाइए सरिता जी। जी उदय जी कहाँ है? वो तो यही। कहाँ है उदय जी? यही तो थे, कहाँ चले गए? आप लोग यहाँ फिर से क्या हुआ? हमारा उदय जी से बात करना बहुत जरूरी है, जरा बुलाइए उन्हें। उदय जी, उदय जी कहाँ गए? उदय जी बुलाइए। मम्मी पापा कहाँ चले गए? आपके पापा कहाँ हैं? इसका जवाब अब ये देंगे धीरेंद्र जी। क्यों धीरेंद्र जी, जवाब देंगे ना? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो सड़क कहाँ रहा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो इनका असली बेटा भी नहीं हूँ सर। मेरे पति को इन लोगों ने गायब करवाया होगा और किडनी के लिए ये लोग शादी तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मॉम, आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपके और पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादी जैसे पवित्र बंधन की आड़ ऐसा घिनौना अपराध करते हुए
सर मैं मानता हूँ इसी प्लान के जरिए मैंने किडनियों का व्यापार किया। क्या? शायद इसीलिए उन गुनाहों की सजा है कि मेरे खुद की किडनी बेकार हो गई। लेकिन इस बार सर मैं खुद की जान बचाने के लिए कर रहा था। इसके लिए किसी और की जान चली जाए। अब बताओ करिश्मा को क्यों मारा? सर मैंने करिश्मा को नहीं मारा, बल्कि वो तो मेरी मदद करती थी मरीज ढूंढने में। सर इस बार मैंने गैंग वालों को बताया बगैर एक किडनी गायब कर दी। उसी बात को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो बाकी गैंग वालों को और विशाखा को ये बात बता देगी। इसीलिए तुमने करिश्मा को मारा? इसीलिए? नहीं सर, मेरा यकीन मानो मैंने उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि सर उसके मौत के पीछे मेरे बाकी गैंग वालों का हाथ है। कौन है तुम्हारे साथी? कहाँ लेकर गए उदय को? किडनी निकलवाने। ऑपरेशन शायद शुरू भी हो गया होगा। कहाँ हो रहा है ये किडनी निकालने का ऑपरेशन? चल डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर। देखो तुम जो ये कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो। बकवास बंद कर और अपना काम कर जल्दी। अबे जल्दी करना। कौन है वहां? कौन है? जुर्म का इनाम तो लेती जाओ। ये सारा षड्यंत्र हमने सिर्फ लोगों की किडनियां हत्याने के लिए किया है। ये सब बताया हमें। ये बताओ करिश्मा को क्यों मारा तुम? क्योंकि करिश्मा हमें धोखा दे रही थी। लेकिन तुमने करिश्मा का खून किया ये बात तुमने धीरेंद्र से क्यों छुपाई? ताकि जब धीरेंद्र किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में आए तो वहां उसे आराम से मार सके, ताकि वो खून खून ना लगकर एक हादसा लगे। और उदय की किडनी तुम ऊंचे दाम में बेचना चाहती थी, क्योंकि उदय का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एक रेयर ब्लड ग्रुप है ना? यही प्लान था सर, लेकिन आप सीआईडी वालों की वजह से वो सब चौपट हो गया। करिश्मा का खून और कितने सारे मासूम लोगों की किडनियों की चोरी, तुम्हें तो फांसी ही होगी। इतना काफी है तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। जयवंती ले जाओ इसे। सर कैसे आप? तबीयत कैसी है आपकी? पापा ठीक तो है आप? सरिता विशाखा बेटी तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मुझे? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपको क्या लगा मेरी शादी आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं और सरिता हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटे। मेरी खुशी आपसे है, आपसे है। माना बाकी लड़कियों की तरह मेरा भी सपना है कि मेरा भी एक अच्छा पति हो, लेकिन वो पति मुझे अपने पिता की कीमत पर बिल्कुल नहीं चाहिए। देखा उदय जी, आपकी बेटी विशाखा कितनी समझदार है, सियानी है और सही बोल रही है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बेटी घर का सम्मान होती है, सुख होती है, खुशी होती है। उसके हाथ पीले करना तो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उसके लिए माता पिता को अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। एसीपी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इंतजार करूंगा। अब की बार मैं अपनी बेटी का हाथ सिर्फ उसी को दूंगा जो इसके लायक हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.